आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। दिल्ली के वजीरपुर इलाके की फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। दरअसल 31 मार्च को फायर टेंडर को सूचना मिली कि A91 वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के पास भीषण आग लगी है, जिसके बाद आनन फानन में दमकल की 25 गाड़ियों को रवाना किया गया। हालांकि दमकल की गाड़ियां लगातार भीषण आग को बुझाने का काम कर रही है। जिस फैक्ट्री में आग लगी है वो एक कॉस्मेटिक फैक्ट्री बताई जा रही है। फायर विभाग के मुताबिक आग शुक्रवार की सुबह लगभग 8:18 पर लगी। इसकी सूचना मिलने के बाद से मौके पर 25 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं घटनास्थल पर दिल्ली पुलिस और कैच एम्बुलेंस की गाड़ियां भी मौजूद हैं। सुरक्षा के लिहाज से आसपास की फैक्ट्रियों को भी खाली करा दिया गया है। फिलहाल फैक्ट्री में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले भी दिल्ली के वजीरपुर इलाके में 16 मार्च 2023 को भी एक कारखाने में आग लगी थी। इस घटना में 12 से अधिक दमकल गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए भेजी गई थी। इस मामले में कारखाने की लापरवाही भी सामने आई थी, जिसको लेकर दमकल विभाग ने बताया था कि उस बिल्डिंग में आग को बुझाने की कोई व्यवस्था ही नहीं। शुरुआती जाँच में पाया गया था कि बिल्डिंग आग के मानदंडों का भी पालन नहीं कर रही थी। कारखाने में अग्निशमन उपकरण नहीं थे, न ही बिल्डिंग में आग बुझाने की कोई व्यवस्था थी। बिल्डिंग में केवल एक एग्जिट था और वो भी चारों तरफ से ढका हुआ था, जिसके कारण फायर कर्मियों को आग बुझाने में काफी मुश्किल हो रही थी। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी .com।